आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बालू माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है और माफियाओं के खिलाफ इस मुहिम से सरकार ने आम लोगों को भी जोड़ने की कोशिश की। अब जो भी सरकार को बालू का अवैध खनन करने वालों की जानकारी देंगे सरकार उन्हें इनाम देगी। बिहार में नासूर बन चुके अवैध बालू खनन को रोकने के लिए सरकार अब सख्त हो गई है। अब माफियाओं की थर पकड़ में सरकार आम जनता से सहयोग की अपील कर रही है। अवैध खनन की सूचना देने वालों को सरकार इनाम देगी और इसके लिए सरकार ने दो मोबाइल नंबर जारी किए हैं। पहला नंबर है 9473191437 और दूसरा नंबर है 9939596554, जिस पर कॉल करके आप कभी भी अवैध खनन की सूचना दे सकते हैं। सूचना के हिसाब से सरकार सूचना देने वाले को इनाम देगी। ओवरलोडेड ट्रैक्टर की सूचना देने पर ₹5,000 मिलेंगे। ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर ₹10,000 मिलेंगे। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन की सूचना देने वाले आम नागरिकों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। ट्रैक्टर जैसे छोटे वाहनों पर ओवरलोडिंग की सूचना देने वाले लोगों को राज्य सरकार की ओर से ₹5,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार में मौजूदा समय में कुल 891 बालू घाट हैं, जिनमें से 488 पीला बालू घाट हैं, जबकि 403 सफेद बालू घाट हैं। फिलहाल 15 जून से 15 अक्टूबर तक इन सभी घाटों पर बालू खनन बंद है। बालू खनन के खिलाफ सरकार की ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी समय समय पर सरकार अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लेती रही है। सिर्फ वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात करें तो अब तक अवैध खनन के खिलाफ 6,095 छापेमारियां की गई, जिनमें 3,462 वाहन जब्त हुए। 832 प्राथमिकी के साथ अब तक कुल 375 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इतना ही नहीं, इन छापेमारियों के दौरान करीब 43,44,00,000 रुपए की राशि वसूली भी गई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जब से खनन विभाग के मंत्री का पद संभाला है तब से वो बालू माफियाओं को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर माफिया बाज नहीं आए तो उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। अवैध खनन की रोकथाम को लेकर वे लगातार कई कड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में अब जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, बिहार में कई प्रयोग होते हैं, उसमें एक प्रयोग ये भी है कि चलो सूचना देंगे पैसे कमाएंगे। क्या बालू माफियाओं पर या फिर ये जो नेक्सस है इस पर कोई असर पड़ने वाला है, इसी पर आज की डिबेट है। ऋषि मिश्रा प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं, सुमित शशांक प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। असर की बात जब हो रही है तो ठीक है, अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक तो बात लगती है कि असरदार है, लोग इसकी सूचना देंगे। और उसमें जिस तरह से डिवीज़न किया गया है, बंटवारा किया गया है कि जो ट्रैक्टर की सूचना देंगे उनके लिए इतने रुपए इनाम के तौर पर, और जो अवैध ट्रक लोड जो है, ओवरलोडेड ट्रक है, उनकी जानकारी जो देंगे उनके लिए ये है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से गुजरेगा? क्या ये कहीं और इसका एक पिकट बनाया गया है, कहीं और बालू को जमा करके रखा गया है, वहाँ से लोडिंग होगी या फिर घाटों से लोडिंग होगी जो चिन्हित घाट हैं? तो ये सारी सूची तो सरकार के भी पास है, अब है कि जनता से अपील की जा रही है कि आप भी इसकी सूचना दें। ऋषि मिश्रा, ये कैसा लग रहा है प्रस्ताव, सुनकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है विवेक जी, और आपने जो एक अभी शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग, ये एक और प्रयोग है बिहार में भ्रष्टाचार को खत्म करने का। विवेक जी, सवाल ये है, जब सैया हुए कोतवाल तो डर काहे का, स्थिति बिहार में यही है। मैं बालू खनन पे भी आऊंगा, उससे पहले जो जो प्रयोग एनडीए सरकार और जनता दलियों की जो सरकार यहाँ पे हुआ है बिहार में, उसका दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूं। बालू खनन में जो आज मंत्री जी बात कर रहे हैं, ये हेडलाइंस है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय जी अरेस्ट हुए 2,50,000 रुपए के साथ। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे देश को,
पेपर लीक होता है उसके बाद ये लग जाते हैं कि आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। एनटीए देश में किसने लागू किया था? 2018 में लागू हुआ था, एनटीए फेल हो गया है, ये आपके सामने है। और अभी अभी जो रिजल्ट हुआ है जेई का, उसमें आप लोग के सामने आ गया है शराबबंदी। जनता दल यू के हमारे मित्र यहां पर बैठे हुए हैं, बड़ा जोर शोर से बिहार में चला कि शराब बंद हो जाएगा बिहार में, और ये ड्रोन से निगरानी होगी, और स्टेट के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे मशीन लगेगा, ट्रक की जांच होगी, और बिहार में एक बूंद भी शराब नहीं आ सकता है। और जो आज बिहार में स्थिति है वो आपसे नहीं छिपा हुआ होगा विवेक जी, और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उन्होंने क्या आरोप लगाया था? सीएम और जेडीयू को शराब माफिया से मिलता है 10,000 करोड़, बिहार बीजेपी अध्यक्ष का नीतीश पर बड़ा आरोप, ये आपके सामने है। तो ये जो प्रयोग जो आपने कहा ना विवेक जी, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है। सवाल है आप 100 नियम कानून ले आइए, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले कौन है? इंप्लीमेंट करने वाले वही जो आपका सरा हुआ सिस्टम जो पिछले 20 वर्षों से आप चला रहे हैं वही लोग चलाएंगे, और आप 100 डिट्रेंट ला दीजिएगा, 100 कानून ला दीजिएगा, लेकिन इन लोगों से जब तक आप छुटकारा नहीं पाइएगा बिहार से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है ऋषि मिश्रा जी, ये वाला पेपर जो है ना सुमित शशांक की तरफ जरा बढ़ाइएगा, सुमित शशांक को जरा दे दीजिए वाला पेपर, शशांक जी लीजिए। अब देखिए, अब इस उम्र में विद्या कसम खाना तो ठीक नहीं है। अब देख करके पूरी ईमानदारी के साथ अब जरा हमें बताइए, ये कसम उसम खा लीजिएगा मन में ही, अच्छा नहीं लगता है उम्र हो चलिए, ये जो चीज़ें जो छपी हैं, लिखा हुआ है, आरोप हैं, क्या इनको भूल जाना चाहिए? सीधा सा सवाल ऋषि मिश्रा का है, सीधा उत्तर दीजिए। देखिए विवेक जी, मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, एक डाटा निकल करके आता है ईओयू के माध्यम से, इसमें बताया जाता है कि प्रदेश के 7 जिलों में 55 बालू माफियाओं को चिन्हित किया गया है, और ये 55 बालू माफिया प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसके साथ जुड़े हुए? एक मिनट, फिर राजद से जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, आप और ठीक है, आप आइएगा सुमित शशांक, आप आइएगा, लेकिन जो अभी बात तो रखने दीजिए ना विवेक जी। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए ना भाई, आपके हाथ में जो ऋषि मिश्रा ने पकड़ाया है उसको आप पढ़ पा रहे होंगे, हेडलाइंस ही पकड़ा, यानी कि वो बड़ा मोटा निश्चित रूप से। हाँ, अब बताइए उसका क्या जवाब है? बिल्कुल, देखिए देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, ये जिस तरीके का एजेंडा चलाते हैं ना राजद के प्रवक्ता, पूरा बिहार जानता है कि बिहार में एक पार्टी है जिसका नाम है राजद, जो कि कहीं ना कहीं भू माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, कहां एजेंडा है माफिया के द्वारा स्पॉन्सर है। ऋषि मिश्रा ने हेडलाइन छापा है, फिर वही बात करते हैं, कहीं ना कहीं ऋषि मिश्रा ने छापा है, मैं वही बता रहा हूं, साहब ने छापा है, तेज ने छापा है, आप देखें कि हेडलाइंस तो किसी अखबार की कर रहे होंगे या फिर न्यूज एजेंडा सेट करना, यही राजद का काम है। ठीक है राजद का, आज आज जब बालू माफिया के खिलाफ जब कार्यवाही हो रही है, नहीं विवेक जी आपको पूरी बात सुननी होगी, आज जब बालू माफिया के खिलाफ कार्यवाही हो रही है तो सबसे ज्यादा समस्या किसको हो रही है? राजद के प्रवक्ता को चिंता हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों चिंता हो रही है? क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं राजद प्रायोजित बालू माफिया का मूल क्या है? आपने सुनी से सा, अरे भाई डिबेट का मूल क्या है? डिबेट का मूल यह है कि आज बिहार सरकार ने एक ऐसी कार्यवाही की है जो नजीर पेश की है, कहीं ना कहीं अगर राज्य में महाराज आपका जो होती हैं शराब पकड़ने वाला जो ड्रोन है, क्या वो बालू घाट पर नहीं घूमेगा क्या? निश्चित रूप से सर्विसिंग में गया हुआ है, सब जगह घूमेगा ड्रोन, तो सब जगह घूमेगा। और अगर अगर इस प्रकार के लोग चिन्हित होते हैं तो निश्चित रूप से करेगा सिस्टम आपका, व्यवस्थाएं आपकी, ड्रोन आपका, पुलिस आपकी, समस्या प्रशासन आपका होती है, राजद को अब ये मांगने की जरूरत क्यों है? आप एक बालू माफिया को, एक से बढ़कर एक शराब माफिया को, एक से बढ़कर एक अपराधियों को किसने टिकट दिया? 2020 का डाटा है, डाटा निकाल कर महाराज कटने की बारी है। बालू माफिया को बढ़ोतरी करने वाले कौन है? बालू माफिया को बढ़ाने वाला कौन है? ये राजद को तो जवाब देना चाहिए। ठीक है, आरजेडी आरजेडी इसका जवाब देगी। एक मिनट सुमित, अपना वाला पेपर जरा अरविंद निषाद को दीजिए, बढ़ाइए अरविंद निषाद, चलिए अब विद्या कसम खाइए आप भी, और पूरे तन मन धन से दम दृष्टि डालिएगा, वो ना किसी पार्टी विशेष का हेडलाइंस लिखा है, अब हेडलाइंस अगर बनी है और उसका जिक्र हो रहा है इस डिबेट में,
तो पहले उस पर जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा, नहीं तो फिर हंगामे में कुछ होगा नहीं, फिर हम भी यहां से हल्ला करने लगेंगे। नहीं नहीं, हल्ला करने की इजाजत नहीं है किसी को। देखिए विवेक जी, सबसे सबसे पहली बात तो यह है कि जब राज्य में शराबबंदी लागू हुई थी उस समय वर्ष 2016 था, और 2016 में राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ था और कांग्रेस के मंत्री जलील मस्तान साहब अबकारी विभाग के मंत्री थे। सारे लोगों ने पटना के गांधी मैदान में हाथ उठा करके मानव श्रृंखला बनाया था हाथ जोड़ के, और राज्य में सफलतापूर्वक आज तक शराबबंदी जारी है और ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग शराब की निगरानी कर रहे हैं और ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जेल में भी जा रहे हैं। अब दूसरी ओर हम बालू की ये जो अवैध खनन है इसके पास इसके विषय पर मैं आता हूँ। सर्वविदित है कि बालू खनन में इस राज्य में अब तक जो बड़े पैमाने पर पकड़े गए लोग हैं उनकी शिनाख्त राष्ट्रीय जनता दल समर्थित व्यक्तियों, नेताओं, कार्यकर्ताओं के रूप में हुई है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है। ठीक है, जा रहे आ रहे हैं, ऋषि जा रहे हैं। प्रयास करते जब कोई मैं प्रयास करता हूं तो हमारे साथ जिस समय राष्ट्रीय जनता दल होती है, कांग्रेस होती है, तो भाजपा पर आरोप लगाती है, और जब भाजपा हमारे साथ होती है तो ये इन पर आरोप लगाते हैं। ये समय काल के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल अपना जो सांप वाला केंचुला होता है वह बदलते रहती है। राष्ट्रीय जनता दल का पुराना यह इतिहास भ्रष्टाचार, आप भी तो बदल के पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, घोटालेबाजों से राष्ट्रीय जनता दल लगाना। अगर राष्ट्रीय जनता दल के गिरेबान में इतनी ही कालिख है तो जाने की क्या जरूरत थी? नहीं 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 नहीं, पैदल चल करके नहीं, हम तो अपनी नीतियों के साथ कार्यक्रम चलाते हैं। शराबबंदी का मसला हो, कैसी नीति, सात भी जाते हैं, सवाल भी खड़े करते हैं। अरे भाई, सात निश्चय का मसला हो, सात निश्चय 2015 में हमने लागू किया जब राजद को छोड़ा, भाजपा भी हमारे नीति पर साथ आया और सात निश्चय आज तक चल रहा है। चाहे शराबबंदी 2016 में लागू किया गया, भाजपा उस समय इसको ड्रैकोनियन कानून बनाती थी, आज भी भाजपा हमारे साथ शराब के मसले पर साथ में है। हम नीतियों से समझौता विवेक जी नहीं करते हैं। आज हमारी सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव प्रपोजल लाया है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोली गई उन बातों को तय करने के लिए आप लोगों ने बैठक की, कैबिनेट ने मीटिंग की, मदद मांग रहे हैं हम जनता से। जनता इस पर आगे आने वाले दिनों में संज्ञान लेगी। नियम आप बना रहे हैं, मदद मांग रहे हैं आम जनता से, कार्यक्रम सफलता पूर्वक लागू किया जाता है। ये डाकमंगला चौराहा नहीं है ना कि यहाँ पर खूब शोर शराबा होगा? हाँ, राजेश राठौर जरा आइएगा, ऋषि भाई आ रहे हैं, ऋषि भाई आ रहे हैं, थोड़ी देर थोड़ा दे दीजिए समय। हाँ विवेक जी, नहीं नहीं सुने, आप राजेश राठौर को सुनने दीजिए, अब डिरेल कीजिएगा तो फिर लाना पड़ेगा ना। राजेश राठौर के साथियों को धैर्य पूर्वक हमने बहुत लंबी चौड़ी बातें, अच्छा ठीक है, स्वाभाविक तौर पर नई ट्रैक पर आइए, उतना लंबा चौड़ा सुनने के लिए कहाँ समय मिलता है। हाँ राठौर जी, हाँ ना ठीक है, आप विवेक जी, हम उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा कर रहे हैं, जो कभी ललन सिंह मीट भात का भोज किए थे तो कहे थे कि पूरा मुंगेर का कुत्ता गायब हो गया है, उनके विधानसभा का भी कुत्ता गायब हो गया था। तो मैं उनको उस बात की गंभीरता से लूं या इस बात को गंभीरता से लूं या किसी बात को गंभीरता से न लूं या फिर गंभीरता से लूं, अगर गंभीरता से मैं लेता हूँ तो बड़ी गंभीर एक बात कह रहे हैं। जब वक्त आएगा तो मैं पत्र आपको दूंगा, अति गोपनीय है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ से 28 अक्टूबर 2021 को निर्गत है वो चिट्ठी, इस आलोक में है कि वरीय पुलिस निरीक्षक डीआईजी ने एक जांच किया था और जांच में 10 लोगों को चिन्हित किया था जो कैमूर से लेके सासाराम से लेके औरंगाबाद से लेके आरा से लेके पटना से लेके सारण तक जी बालू माफियाओं हैं, उसमें से 10 लोगों को चिन्हित किया। और इसको ये पता लगाने के लिए अपने सक्षम अधिकारियों को, अपने अधीनस्थ अधिकारियों को, सभी एसएसपी ने लिखा, खासकर पटना के एसएसपी ने लिखा, वो गोपनीय है लेकिन मेरे पास है। ठीक है, हम डेट इसलिए बता दिया, वक्त पड़ेगा तो मैं चिट्ठी आप सामने नहीं करूंगा, जिसमें 10 लोगों को चिन्हित किया गया। तो सबसे पहले वो 10 लोग कौन है उसको सार्वजनिक करें, और मैं उसमें दो नाम बताता हूँ। एक नाम बड़ा पॉपुलर है जो 10वें नंबर पे है, जिसका नाम है सुभाष यादव। ठीक है,
वो जेल भी गए, चूंकि वो जादव हैं तो इसीलिए लालू यादव के आदमी होंगे। चतरा लोकसभा से राजद के प्रत्याशी भी थे, इनको ये भी बोलना चाहिए। मान लिया, ये भी बात मान लिया, नहीं मान लिया, नहीं बोलना चाहिए आप। आप सुन लो, ये चिल्लाइए मत। ना ना, मैं चिल्ला नहीं रहा, बोलिए कि प्रत्याशी थे, प्रत्याशी थे आरजेडी में है, इसी गर्व के साथ आप स्वीकारिएगा। आठ में दस में से जीरो हटा देते हैं तो पहला नाम आता है, जिसका नाम है डॉक्टर अशोक, जो परेड बीता पटना का है। ये कौन है? इनके दो पुत्र का भी उसमें नाम है, वो भी डॉक्टर अशोक जेल में है, और दो पुत्र में से एक पुत्र भाजपा का एमएलसी है। लीजिए, तब जब बिहार में अमित शाह जी आए थे तो बिहटा के मंच पर वो उनके आगे पीछे घूम रहे थे, वह एमएलसी, उनका भी नाम उसमें है। उस चिट्ठी को, उस सूची को सार्वजनिक करें तो स्पष्ट होगा यह कौन है। बल्कि पिता का नाम बताया, पुत्र के नाम बता के मैं अपमानित नहीं करना चाहता इन लोगों की तरह थेथोलॉजी में, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं और नाम इसमें अंकित है, वह भाजपा का एमएलसी आज भी है। सुमित, लेकिन इसके इस पत्र के सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। बालू माफिया और दारू माफिया में सिर्फ और सिर्फ जेडीयू और भाजपा के लोग संलिप्त हैं। धोखे से उसमें किसी यादव का नाम आता है जिसको आरजेडी बता देते हैं, लेकिन ईमानदारी से बालू और दारू का कारोबार भाजपा कर रहा है। विवेक जी, हाँ। विवेक जी, एक कहावत है, हाँ। और एक कविता की पंक्तियां हैं, मैं कहूंगा कि क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम विनित हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो यही कहीं ना कहीं ये आरजेडी और कांग्रेस का मूल चरित्र है। ये समझना है कि आरा के भोजपुर में बालूघाट में वर्चस्व की जंग होती है, और उस वर्चस्व की जंग में लड़ने वाले कौन जो लोग थे, वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो राजद से जुड़े हुए थे, ये भी देखने की बात है। और इसके अलावा नवादा में एएसआई, नवादा में एएसआई की मृत्यु होती है, नवादा में एएसआई पर बालू माफिया गाड़ी चला देता है, वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, ये भी तो बताना चाहिए ना इनको, राजेश राठौर जी को ये भी तो बताना चाहिए। बालू माफिया को टिकट देना किसका काम है? ये राजद का काम है ना, ये कांग्रेस का काम है ना, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे। लेकिन 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 इसके अलावा, इसके अलावा सबसे ज्यादा 55% टिकट राजद ने बालू माफिया को दिया, और उसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी आती है। लेकिन समस्या क्या है इनको, इनको समस्या क्या है, इनको सबसे बड़ी समस्या है ना कि बालू माफिया जो है वो इनको कहीं ना कहीं फाइनेंस करता है, कांग्रेस को फाइनेंस करता है, राजद को फाइनेंस करता है, ये भी तो बताना पड़ेगा। जो लोग अपने बच्चों के हाथ में कलम नहीं पकड़ा सकते हैं, उन लोगों ने बिहार को बालू माफिया के गर्त में पहुंचा, राजद ने किया, राजद ने किया, कलम के आसपास। गुरु के जरा ऋषि मिश्रा, ऋषि मिश्रा अपनी बात स्पष्ट की, प्रायोजित ठीक है, ऋषि मिश्रा प्रायोजित तरीके से ठीक है, फाइनेंस करता है बालू माफिया, भाई आप शांत रहिए, भू माफिया, बालू माफिया, भू माफिया, शिक्षा माफिया, सभी लोग, ये सभी लोग ठीक है, फाइनेंस। अभी समय जो बचा है कुछ कर लेते हैं ना, बढ़िया कुछ इसमें निकल के सामने आएगा। हाँ चलिए ऋषि मिश्रा, दे रहा जवाब दे रहा हूँ। हाँ। मेरा एक ही चीज कहना है इन लोगों से, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल से आरोप मत लगाइए, जो भी किसी पार्टी का अरेस्ट करिए अंदर के। अरे तो जिम्मेदारी आपकी बनती है ना, भारतीय बिहार को हत्या, लूट, बलात्कार के घर में किसने अकेला, जवाब देना पड़ेगा ना। व्यक्ति का नाम है लालू जी, बिहार को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया। देखिए राजेश राठौर और निषाद कितना बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं, ये शोर मचाएंगे, कभी भी सुनेंगे नहीं, ये शोर मचाएंगे लेकिन कभी भी आम जनता की आवाज सुनेंगे तब तक आप कुछ जवाब दीजिएगा। सुनिए, हाँ, शोर मचाए, शोर, अरे नहीं छोड़ दीजिए, अब चोर की बात मत कीजिए, आइए ऋषि मिश्रा आइए, राजद के प्रवक्ता कभी नहीं सुनेंगे, अरे सुनेंगे सुन तो रहे थे, बीच में बिना मतलब आपने टोक दिया, रुकिए तो भी। हाँ ऋषि मिश्रा, हाँ
विवेक जी दिक्कत क्या है ना, जनता दल यू के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि जब 2016 में शराबबंदी हो रही थी तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी साथ में थे। जी हम थे, हम शराब बंद करने के लिए थे, शराब का कारोबार करने के लिए साथ में नहीं थे। आज राजद के लोगों को शराब के कारोबार में तो महारत हासिल है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी रिपोर्ट यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के पास तंत्र है, पहले भी इस बात को हमने कहा, और पूरा तंत्र अगर सरकार का है, मजबूत है और तकनीक से विकसित है, तो जरूरी यह है कि आप उनका इस्तेमाल करिए और ऐसे बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, नेस्त नाबूद करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। आप सामर्थ्यवान हैं, सरकार के पास उतनी ताकत है, इच्छा शक्ति की अगर कमी हो सकती है तो वो भी 4-5-10 दिन लगेगा, उसमें बनाइए, कहीं मेडिटेशन वगैरह कीजिए, और उससे योगा वोगा करने से भी सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो सरकार को ये एनर्जी की ज़रूरत है। और जो कह रहे हैं कि इनाम की घोषणा कर रहे हैं, तो कई ऐसे उदाहरण हमारे आसपास हैं जिसमें बालू माफियाओं ने पुलिस तक को नहीं छोड़ा, आम आदमी की क्या बिसात है। ठीक है, अगर आप उस चैप्टर को छोड़कर भी एक नई ऊर्जा का संचार आम जनता के बीच करना चाहते हैं ताकि आपको मदद किया जा सके, तो चलिए वो भी कर दिया जाएगा, इस शर्त पर कि आपकी पहचान को छुपाकर रखा जाएगा। शुक्रिया।